एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आज के शुभ अवसर पर मैंने क्या बनाया है। तो मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, तो बस मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। और मैंने आज आफ्टरनून को बनाया था पुलाव एंड पनीर की सब्जी एंड रायता और साथ में स्वीट्स जो मैंने बनाया था। तो ये वाला ही मैंने सूजी का स्वीट्स बनाया था जो कि ऊपर से मैंने नारियल से गार्निश किया है, आप देख सकते हैं। और ये वाला स्वीट्स जो है वो मार्केट का लिया हुआ स्वीट है ये है। चलिए मैं आज आपको आज का बारिश भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है आज अभी आफ्टरनून को। बजे हैं शाम के 4 और अब मैं जस्ट रेडी होके वेट कर रही हूँ अपनी बहन का और मेरे भाई का, और जो कि बैंगलोर में ही रहते हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। आएंगे तो मैं राखी बांधूंगी। और आज तो मस्त वाली बारिश हुई है सच में, मतलब वो लोग बस बारिश में फंसे हुए हैं। उन लोगों ने बोला कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, बट वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ जस्ट रेडी होकर के। और मैंने आपको दिखाया था कितनी तेज़ बारिश हो रही है आज, बहुत बारिश हो रही है सच में। तो बस वो लोग फंसे हुए हैं बारिश में। और मैंने आज पहना है ये साड़ी, मतलब रेड कलर की साड़ी है, रेड एंड क्या गोल्डन कलर की, गोल्डन नेट में साड़ी है मैंने पहना है। मस्त वाला दिन है, बर्थडे था मेरा, राखी है, ऊपर से पूर्णिमा है, तो सच में आज अच्छा वाला फेस्टिवल है मेरे लिए। और सच में मेरा आज का दिन सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गया समझ लीजिए मतलब। तो मैंने कुकिंग वुकिंग भी कर ली, जो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि मैंने क्या कुकिंग की थी और स्वीट्स वगैरह जो बनाई थी। और फिर तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट उनका वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर ठीक है, मैं अपने भाई को राखी वाखी बांधूंगी, देन देखते हैं फिर क्या करना है। तो ठीक है फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके, तो ये रही मेरी बहन जो अभी आ रही है। मैं बस कैमरा ऑन करके ही रखी हुई थी बस, लेकिन तुरंत आ गए। और फिर ये मेरा भाई है, बीच वाला भाई है। और मेरी बहन पूरी तरह से भीग गई है क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वही मुझे दिखाई दी, खुद स्टूल ही पूरा भीग गया, तो बस वो देख रही है। आते ही मेरा भाई और मेरी बहन बाबू के साथ में लग के देखे खेल खेल के राखी बांध रहे हैं। मेरे बाबू जो बैठा है मुझे बहुत हंसी आ रही है एक्चुअली, देख सकते हो आप। और फिर मेरी बहन को राखी बांध रही है मेरे बाबू को। अभी देखिए मामा भांजा दोनों कैसे साथ में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ और कुछ बात बात मतलब कर रही हूँ। और शाम का टाइम हो चुका है तो मैं सांस भी अभी दूंगी, मतलब तो सांस दिखाना भी है मुझे भगवान जी को। और देन मेरी बहन भी कुछ बात कर रही है, मेरा भाई और मेरा बाबू, मेरी बहन तीनों कुछ मिल के तीनों मिल के कुछ भी खा रहे हैं। और मेरा बाबू बस उन्हें देख रहा है, कुछ बातें कर रहा है। और मेरे बाबू सबको राखी दिखा रहा है, देखिए कि करके मेरा राखी देखो देखो करके। तो फिर मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। ये मेरा बीच वाला भाई है और मेरा बड़ा वाला भाई अभी यहाँ नहीं है और छोटा वाला भी नहीं है, बस यही है यहाँ पे। तो मैं बस इन्हें राखी बांध रही हूँ बस। और राखी बांधते बांधते मैं कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ। और देखिए मेरे बाबू को वो दिखा रहा है हाथ में कि देखो बल्ब जल रहा है इस राखी में। और फिर मैं अपने भाई चंदन को और गोलू को दोनों को मिस कर रही हूँ। एंड दोनों को विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन भाई। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन मेरे तीनों भाई को, चंदन गोलू एंड छोटू को। और साथ में मैंने अभी केक भी कट कर लिया क्योंकि मेरी बहन साथ में लेके ही आई थी केक, तो उन्होंने बोला कि चलो केक कट कर लो फिर ये नाइट तक नहीं रुक पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। तो मैं केक कट करके मैं बेटे को खिला रही हूँ, वो खा ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई ने मुझे खिलाया कि कहाँ देखो मम्मी खा रही है चलो तुम भी खा लो, लेकिन फिर भी वो केक नहीं खाया। और फिर मेरी बहनों से बोले खा लो करके। तो फाइनली मैंने केक कट कर लिया और मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं और मैं भी कुछ बातें कर रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि चलो केक कट हो गया है, चलो कुछ आगे का क्या प्लान है देखते हैं। तो लोग बस बातें कर रहे हैं और मेरे बाबू भी साथ में खेल रहा है, तो बस यही से बातें हो रही हैं। तो बस देखिए
तो मेरी बहन फ्रिज से कुछ निकाल रही है। एक्चुअली फ्रिज मैंने किचन में नहीं रखा है क्योंकि उतना स्पेस नहीं है किचन में, और तो और पॉइंट भी मतलब सही जगह में नहीं है कि आप रख सकते हो। तो फिर मेरी बहन उसमें डाल रही है मतलब फ्रिज में कुछ 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 मतलब चॉकलेट्स वगैरह, तो वही मुझे बोल रही है मैंने यहाँ डाल दिया है तुम देख लेना। मैंने कहा ओके ठीक है। तो बस मेरी बहन और मेरे भाई दोनों जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर इस क्लिप में मेरी बहन मेरे बाबू के साथ में खेल रही है, वो बोल रही है वहाँ नहीं रहा है, वो भाग जा रहा है पापा के साथ में। और हम लोग देखे हम लोग की थोड़ी सी मस्ती में छत में आ गए हैं। शाम का टाइम है ऑलमोस्ट 6:30 के राउंड अबाउट ये टाइम हो रहा है। तो बस थोड़ी सी मस्ती है हम लोग का देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, जस्ट मैंने अभी केक भी कट कर लिया और राखी भी भाई को बांध दी क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी था और राखी भी है, तो 2 in 1 फंक्शन मेरे लिए हो गया। तो मैंने अभी केक वेक कट करके और वो जा चुके हैं, मैं वो क्लिप भी ऐड कर दूंगी, मतलब उसके बाद वो लोग जा चुके हैं। और फाइनली मेरी बहन निकल गई है, और अभी पूरा पूरा मतलब अंधेरा वाला शाम नहीं हुआ है कि एकदम अंधेरा हो गया है, बस होने ही वाला है। तो बस मेरी बहन बाइक स्टार्ट कर रही है और नीचे से ही कुछ भी बोल रही है, मतलब सेकंड फ्लोर में है तो मैं जो कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि हेलमेट लगाया है। तो फिर मुझे ऊपर देख करके मुझे बाय बोल रही है, और फिर मेरा भाई फिर दोनों को ही निकल जाएंगे घर के लिए। बस ये बिल्कुल भी मुझे इतना वक्त नहीं था कि मैं आपसे बीच में बात कर सकूं, तो मैंने एक बार में ही सभी कुछ फिनिश करके रेडी होके और फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बस मेरा सभी काम हो गया है और जस्ट मैंने मोबाइल ऑन किया कि चलो मैं एटलीस्ट ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी जस्ट वो लोग गए हैं और आपने देखा होगा मैंने ऊपर से उनका क्लिप लिया है, मतलब वो लोग जा रहे थे क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो नीचे जाना पॉसिबल नहीं था, और तो फिर हो गया और मस्त वाला दिन है। बर्थडे था मेरा, राखी है, ऊपर से पूर्णिमा है, तो सच में आज अच्छा वाला फेस्टिवल है मेरे लिए और सच में मेरा आज का दिन सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गया समझ लीजिए मतलब। तो मैंने कुकिंग वुकिंग भी कर ली जो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि मैंने क्या कुकिंग की थी और स्वीट्स वगैरह जो बनाई थी। और फिर तो गाइस ये रहा मेरा फुल डे का अपडेट आपके साथ जो मैंने शेयर किया। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।